वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 15 मार्च 2020 और 15 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला। तो हमारे प्यारे भारत को मिला है सेकेंड स्थान, दूसरा स्थान, ठीक है, 2020 एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में। अब यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर वन और ए, नंबर ए ग्रेड और नंबर वन पर किस किस को रखा गया है। स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया, इन तीन कंट्रीज़ को नंबर वन मिला है एनिमल प्रोटेक्शन में, इंडेक्स में, ठीक है। मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइस आज के टारगेट की बात करें तो आज का टारगेट है 1100। फटाफट से आप ये टारगेट अचीव करिए जिससे हम धीरे धीरे टारगेट इंक्रीज करेंगे। आई होप सभी आज टारगेट अचीव करने की ट्राई करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगा, तब आप वीडियो को ज़रूर ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीक विकसित करी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा भारत। भारत सरकार ने सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी विकसित करी है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब की तकनीक विकसित किया है इस ट्यूब तकनीक को। अब यह ट्यूब सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और गर्मी को आवश्यक अनुप्रयोग में परिवर्तित भी करती है। यह प्रौद्योगिकी 2022 तक भारत को 100 गीगावाट के अपने सौर ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है भारत। मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो कि है, किस संस्थान ने नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा स्याही विकसित करी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है CSIR। और उस इंक का मैं नाम बता देती हूँ, बाई ल्यूमिनसेंट सिक्योरिटी लिंक उस इंक का नाम है, ठीक है। अब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हाल फिलहाल में एक बाई ल्यूमिनसेंट सुरक्षा स्याही की खोज करी है और यह स्याही प्रकाश के संपर्क में आने पर दो रंग दिखाती है। सामान्य रूप से सफ़ेद प्रकाश के नीचे रखने पर यह स्याही सफ़ेद रंग की नज़र आती है और पैरा बैगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के नीचे रखने पर यह स्याही को रखा जाता है तो यह लाल हो जाती है और पराबैंगनी किरणें जब हट जाती हैं तो स्याही का रंग वापस से हरा हो जाता है, ठीक है। अब वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात करें तो यह देश की अग्रणी अनुसंधान व विकास संगठन है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1942 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, DRDO और इसरो का एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियो में DRDO और इसरो के बारे में, तो आई होप सभी लिखेंगे। मूव करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि है, किस देश में कैटरीना किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति रूप में शपथ ली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस। ग्रीस कंट्री में कैटरीना सेकेलारोपालो ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और ग्रीस में कोरोना वायरस के वजह से सभी स्कूल, विश्वविद्यालय, सिनेमा घर, जिम और नाइट क्लबों को भी बंद कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीस की, तो ग्रीस की राजधानी की बात करें तो एंथेस वहाँ की राजधानी है, ठीक है। और राष्ट्रपति हमने बता ही दिया, कैटरीना वहाँ की राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा की बात करें तो यूरो वहाँ की करेंसी है, अर्थात मुद्रा है। मुद्रा क्या है ग्रीस की, यूरो वहाँ की मुद्रा है। मूव करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि है, किस कंपनी ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फेसबुक इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। फेसबुक इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
पहल फेसबुक प्रगति की लॉन्च की है, प्रगति को लॉन्च किया है और फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर लाभकारी संस्था को अपना काम करने के लिए 50 लाख तक के 4 अनुदान भी प्रदान किए जाएंगे। अब फेसबुक की स्थापना की बात करें तो 2004 में फेसबुक की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। संस्थापक और सीईओ की बात करें तो मार्क ज़ुकरबर्ग वहाँ के संस्थापक और सीईओ हैं। मूव करते हैं आज के 6 क्वेश्चन की साइड, जो कि है किस देश में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गोकाडाल लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर भी है भारत। भारत में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गोकाडाल लॉन्च किया है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा इस नाम को। अब गोकाडाल क्लाउड आधारित 4A यानी ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स ऑगमेंटेटिव टेक्नोलॉजी पर केंद्रित एक समाधान एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत। मतलब भारत में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गोकाडाल लॉन्च किया गया है। मूव करते हैं आज के 7th क्वेश्चन की साइड, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नवाजा गया है। अब अमिताभ बच्चन इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 2015 में हुई थी। MD और CEO की बात करें तो वी वैद्यनाथन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ है 2015 में। और मुख्यालय की बात करें, जैसा कि सबको पता है बैंक्स के मुख्यालय मोस्टली मुंबई में ही होते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? अमिताभ बच्चन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइगर वुड्स को 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अमेरिका के खिलाड़ी, कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? अमेरिका के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनको 2021 के गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वुड्स ने 3 बार करियर ग्रैंड स्लैम का खिताब भी अपने नाम किया है, ठीक है। 2001 में टाइगर स्लैम का टाइटल भी हासिल किया था इन्होंने, जब वह बॉबी जोन्स के बाद एक ही समय में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले गोल्फर भी बन चुके थे, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर टाइगर वुड्स बन जाता है। मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न, जो कि है 9th क्वेश्चन, इसकी साइड, किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सौराष्ट्र पहली बार रणजी चैंपियन बन चुका है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब मैच ड्रॉ रहा, लेकिन सौराष्ट्र पहली पारी की बढ़त के आधार पर रणजी चैंपियन बन चुका। सौराष्ट्र की पारी में 106 रन बनाने वाले अर्पित को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। अब प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार पूछा जा सकता है, किसको मिला, तो अर्पित इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। मूव करते हैं आज के अंतिम प्रश्न, जो कि है, कोरोना वायरस के कारण IPL कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 15 अप्रैल तक कोरोना वायरस के वजह से IPL को निलंबित कर दिया गया है। BCCI के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 29 मार्च से शुरू होने वाली IPL को कोरोना वायरस के खतरे के चलते 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब IPL के इस सत्र की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबले से होनी थी, लेकिन 15 अप्रैल तक के लिए यह निलंबित कर दिया गया है। अब देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन, जो हमने होमवर्क के लिए दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था हमारा, नासा ने मार्च 2020 रोवर का नाम रखने की क्या घोषणा करी है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेजर्वेंस।
प्रिजर्वेंस इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब देखते हैं आज की वीडियो का आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है। जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ये चार ऑप्शन है, आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो ये है आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आज के टारगेट को भूल मत जाइएगा। आज का टारगेट है 1100+ लाइक्स, जो आपको अचीव करना ही है एनी हाउ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़रूर ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।